हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कॉपेक्स। एंड कैसे आप सब लोग? तो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मस्ट एक्सेसरीज फॉर योर कार और मस्ट एक्सेसरीज फॉर टाटा पंच। इवन टाटा पंच के लिए नहीं, आप किसी भी कार के लिए ये एक्सेसरीज बहुत मस्ट है और आपको एटलीस्ट ये एक्सेसरीज तो अपने कार में इंस्टॉल करानी ही चाहिए। तो गाइस, ज़्यादा वीडियो को मैं लंबी नहीं खींचूंगा और सीधे सीधे मैं आपको एक्सेसरीज दिखाऊंगा कि आपको क्या क्या एक्सेसरीज अपनी कार में लगानी चाहिए। तो सीधे चलते हैं और बात करता हूं मैं अपने पहले एक्सेसरीज की। तो आपने देखा होगा कई लोग अपनी कार में डोर गार्ड इंस्टॉल कराते हैं, सो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, आपको डोर गार्ड के बजाय आपको ये डोर रबड़ लगानी चाहिए अपनी कार में। जैसे आप देख रहे हो, ये डोर रबड़ आप इस कार में देख रहे हो लगी हुई, ये डोर रबड़ आपको उस डोर गार्ड से ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। बिकॉज अगर आप देखोगे तो डोर गार्ड आपका सिर्फ इस पोर्शन पे लगता है, तो कभी आपकी अगर कार नीचे फुटपाथ में यहाँ से लगती है तो आपको वो डोर गार्ड, आपका वो डोर गार्ड किसी भी काम में नहीं आता, वो आपका डोर गार्ड डोर प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। तो इंस्टेड ऑफ दैट डोर गार्ड, अगर आप ये डोर ग्रिप इंस्टॉल कराते हो अपने कार में तो आपके डोर को पूरी प्रोटेक्शन मिलती है और आपका डोर नीचे से लगे चाहे ऊपर से लगे कहीं पर भी आपके डोर में डैमेज नहीं आता। तो ये पहली एक्सेसरीज़ है जो मुझे लगता है कि आप सबको अपनी कार में इंस्टॉल करानी चाहिए। और अगर बात करूँ यार मैं लुक की, तो अगर आप देख सकते हो तो इसको लगाने के बाद लुक इतना भी ख़राब नहीं लग रहा गाड़ी का। तो आपको ये एक्सेसरीज तो मतलब लाइक अगर आप चाहते हो तो आपको अपनी कार में इंस्टॉल करानी चाहिए। बात करते हैं सेकंड एक्सेसरीज़ की। सेकंड एक्सेसरीज़ है कार की मैटिंग। अगर आपको चाहते हो कि आपका कारपेट कार का ना ख़राब हो तो आपको कार में मैटिंग ज़रूर करानी चाहिए। अगर आप मैटिंग कराते हो उसके बाद आप अपने कार में कोई भी नॉर्मल मैट लगा सकते हो, आपको ज़रूरत नहीं है उसके बाद 7D मैट्स में जाने की या किसी भी, अगर आपने मैटिंग कराई हुई है तो आपका कारपेट भी इससे सेफ रहेगा और आप उसके बाद कोई भी नॉर्मल मैट्स रख सकते हो कार में। थर्ड एक्सेसरीज़ जो मैं बोलूँगा, ऑब्वियसली बात है, सीट कवर्स तो आपको चाहिए। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी कभी सीट कवर इंस्टॉल कराएं तो बकेट सीट कवर हमेशा इंस्टॉल कराएं। आप सिर्फ सीट कवर लगाओगे तो यार उसमें वो आपको कंफर्ट नहीं मिलेगा जो आपको बकेट सीट कवर में देखने को मिलता है। तो मेरे तरफ से यही एडवाइस रहेगी कि आप जब भी कभी सीट कवर इंस्टॉल कराएं तो हमेशा बकेट में जाएं, बकेट सीट कवर की तरफ जाएं, नॉर्मल सीट कवर्स आप ना कराएं। तो थर्ड एक सीरीज़ जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको अपनी कार में करानी चाहिए वो है ये रेन वाइज़र। रेन वाइज़र ऐसी चीज़ है जो कार की लुक ही नहीं बढ़ाते बट इसका काफ़ी काम भी आता है। तो ये एक्सेसरीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको अपनी कार में रेन वाइज़र इंस्टॉल करानी चाहिए। गाइस, अब बात करते हैं अपनी लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सेसरीज की जो हम लोग हमेशा मिस कर देते हैं कराने में, और वो है यार आपका डैश कैम। आज के टाइम में यार डैश कैम इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जिसको हम बड़ा ही कैजुअल लेते हैं यार। हम सारी चीज़ों में एक्सपेंस लगा देते हैं, हम अपने गाड़ी का इंटीरियर चेंज करा देते हैं, हम इतने चीज़ें जो मैं कहूँगा कि यार जो अनवांटेड चीज़ें हैं जो हमारे को इतनी ज़रूरी नहीं है कार में करानी, वो भी हम कार में करा देते हैं, बट इसको हम हमेशा निगलेक्ट करते हैं। डैश कैम हम लगाना पता नहीं क्यों आज के टाइम में इम्पॉर्टेंट नहीं समझते, जबकि इसकी रिक्वायरमेंट आज के टाइम में सबसे ज्यादा है यार। डैश कैम सिर्फ एक एक्सेसरीज ही नहीं है यार, ये डैश कैम आपको कई प्रॉब्लम्स में आपकी आपको सेव करेगा। अगर लेट सपोज आप को ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा, ट्रैफिक पुलिस आपको बिना बात के अगर आपका कुछ चलान कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आप एटलीस्ट इस डैश कैम के थ्रू उनको दिखा सकते हो कि आपकी कोई गलती नहीं है। आज के टाइम रोड पे इतने रोड रेजिस केसेस होते हैं, इतने एक्सीडेंट केसेस होते हैं, तो ये डैश कैम आपको वहाँ पर भी सेव करता है। तो यार मैं आपको यही बोलूँगा कि आप बाकी एक्सेसरीज भले ही छोड़ दो बट एटलीस्ट इस डैश कैम को अपने कार में इंस्टॉल ज़रूर करो। डैश कैम आपको कई प्राइजेस में मिल जाएंगे मार्केट में, आपको डिपेंड करता है उनकी कैमरा क्वालिटी के ऊपर, आपको कई रेंजेस के डैश कैम आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो मेरी तरफ से यार एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो लोग भी ड्राइव कर रहे हैं प्लीज़ अपनी अपनी कार में डैश कैम ज़रूर इंस्टॉल करवाइए। तो गाइस, मैं इस वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचूंगा और मैं आपको इस वीडियो में मैंने सिर्फ वो एक्सेसरीज दिखाई हैं जो आपकी कार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आप लगाने को तो कार में कुछ भी लगा सकते हो, बहुत सी चीज़ें आती हैं मार्केट में जो आप अपनी कार में इंस्टॉल करा सकते हो, बट ये कुछ जो एक्सेसरीज मैं आपको बता रहा हूँ ये ऐसी एक्सेसरीज है जो आपकी कार में होनी ही चाहिए, जो आपकी कार को
कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करती है या आपको प्रोटेक्शन देती है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।